सबसे पहले ये चीज बताइए कि आपको ये स्टीयरिंग सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है, महसूस कर रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है। थोड़ा सा डरना ही नहीं है, क्योंकि नहीं डरना है, इसलिए नहीं डरना है। बाहर में आपको तीन बंदा रखे हैं बचाने के लिए और अंदर में हम बैठे हुए हैं आपको बचाने के लिए, ठीक है। आपको डरना ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आराम से, मतलब स्कूटी से भी ज्यादा आसान है, बिल्कुल आप आसान, मतलब जितना भी टेंशन है सब घर पे रख दीजिए। आप यहाँ पे बिंदास होकर गाड़ी चलिए, सबसे पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लच को दबाइए, पूरा दबाइए, ये पूरा सटना चाहिए नीचे, पूरा मैट में। जब भी क्लच दबाइएगा पूरा नीचे सटना चाहिए, ठीक है, टच होना चाहिए। तो उसके बाद एक बार की को ऑन कीजिए, की को घुमाइए, चाबी को, हाँ घुमाइए, स्टार्ट हो गया, छोड़ दीजिएगा, बस छोड़ दीजिए, वेरी गुड। चलिए, ये है हैंड ब्रेक, ठीक है। हैंड ब्रेक का मतलब होता है कि चारों चक्का भी आपका लॉक हो गया है, इसको डाउन करने के बाद ही गाड़ी भागेगा। तो ये इसको क्या करना है, इसको दबा के नीचे कर देना है, ये आपका गाड़ी बिल्कुल आप फ्री हो गए, ठीक है। क्लच को छोड़िएगा नहीं, रेस को दबाइएगा नहीं आप, ठीक है। रेस को सिर्फ आपको टच नहीं करना है, नीचे वाला पाँव इस तरह रखिए, राइट साइड वाला पाँव मतलब नीचे रखिए इस तरह, हाँ, आपको उधर कुछ टच नहीं करना। जब खाली ब्रेक मारने बोलेंगे हम तब ब्रेक दबाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लच को दबाइए, क्लच को ये इसको, हाँ, दबाना, क्लच को दबाए, बाएं वाला पैर से क्लच दबाए। आप देखिए पहला फ्रेंड के घर जाइए, वेरी गुड। आप क्लच को किससे छोड़ना है ये चीज ध्यान दीजिए, इसे क्लच अभी ऊपर दबा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लच को पूरा पाँव हटा दिए इस तरह से, ऐसा नहीं हटाना, यहाँ इधर ध्यान से देखिए, ठीक है। पूरा दबा हुआ है, आप काउंट करें, मतलब इतना इतना छोड़ना है, ठीक है, हल्का हल्का सा, 1 2 3 4 पूरा 12 तक काउंट करना है आपको। यहाँ देखिए, आप मेरे हाथ को देखिएगा किस तरह से उठ रहा है, हाँ, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस तरह से आपको क्लच छोड़ना कि बिल्कुल धीरे धीरे क्लच छूटे, और आपका पाँव जो है, एड़ी जो है बिल्कुल नीचे टच होना चाहिए, इस तरह टच करके रखना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह टच करके रखना है और धीरे धीरे 1 2 करके छोड़ना है, समझ गए, हाँ। चलिए स्टार्ट कीजिए, तो छोड़िए, हाँ सिर्फ छोड़िए, अभी आगे देखिए, ध्यान आगे दीजिए, क्लच पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पकड़िए स्टीयरिंग, दोनों हाथ से यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, चलिए छोड़िए, चलिए वेरी गुड। फर्स्ट टाइम आपका गाड़ी बंद नहीं हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि फर्स्ट टाइम में ही आप इतने अच्छी तरह से तरीका से गाड़ी को बढ़ा लिए। तो एक बार राउंड मार लीजिए, उसके बाद आपको फिर से बताएंगे कि गाड़ी किस तरह से रोकना चाहिए। तो भाई काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि खुशबू जी फर्स्ट टाइम ही इतना अच्छी तरीके से गाड़ी को बढ़ाई है, मतलब बहुत किसी को मैंने देखा है कि जैसे क्लच छोड़ते हैं गाड़ी उसका बंद हो जाता है, लेकिन खुशबू जी काफ़ी अच्छी तरीक़ा से बढ़ाई है। ठीक है, पत्थर है तो हल्का से यहाँ पे राइट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टिंग बिल्कुल, हाँ इस तरह सीधा कीजिए, धीरे धीरे इधर ले जाना है। तो स्टीयरिंग को हल्का हल्का, स्टीयरिंग इधर काटिए हल्का हल्का अपने राइट की ओर, ठीक है। फिर छोड़ दीजिए, फिर आप पूरा स्टीयरिंग को घुमाइए, पूरा घुमाइए, पूरा रोटेशन लीजिए, धीरे धीरे पूरा घुमाइए और घुमाइए, जब तक घूमेगा नहीं तब तक घुमाते रहिए, ठीक है। वहीं हाथ छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, हाथ छोड़ के, हाँ फिर हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्टीयरिंग को वापस सीधा कीजिए, क्योंकि गाड़ी, हाँ छोड़िए, मतलब स्टीयरिंग को फिर से वापस ले आइए उस तरह, देखिए हो गया ना कितना अच्छे तरीके से। डर लग रहा है क्या? नहीं ना, मतलब बिल्कुल डर है। अब ये बताइए कि स्कूटी में ज्यादा डर लगता है, किसमें ज्यादा डर लगता है? स्कूटी में ज्यादा डर लगता है ना, वही चीज आपको बताना चाह रहे थे। आप लोग, काफी लोग सोचते हैं कि कार चलाना बहुत टफ है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस आपको सारा जानकारी होना चाहिए। आप तो गियर के बारे में अच्छी तरह सीख गए पहला दिन में ही, ठीक है ना। आप यहाँ पे मान के चलिए, एक बार स्टीयरिंग घुमाइए, पहले राइट लीजिए, दोस्तों लोग के पास ले चलिए। आज जब आपको ब्रेक दबाने बोलेंगे ना, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्लच दबाइएगा, पूरा क्लच दबाइए पूरा, और ब्रेक दबाइए धीरे धीरे, धीरे धीरे ब्रेक दबाइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीके से आप चलाए हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी खुशी हुआ कि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे लड़की को सिखा रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत खुश हो रहा है कि आप इतना अच्छी तरह से गाड़ी को बढ़ाएं और इतना अच्छी तरीके से गाड़ी को रोक दिए पहला दिन में। मुझे काफ़ी खुशी हुआ सही में, आई प्राउड ऑफ यू। हमको भी अच्छा लगा, चलिए थैंक यू। तो एक बार आप अपने से खुद से कर पाइएगा? हाँ, ट्राई करते हैं, कीजिए। हम उतर जाएंगे बीच में? नहीं, आप चल रही है अंदर, हम फिर बैठ जाएंगे गाड़ी में, वैसे दिक्कत नहीं होगा आपको? नहीं, आप बैठे रहिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा हिम्मत रहेगा, तो हिम्मत रहेगा, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे ना, क्योंकि आपको रेस दबाना नहीं है, ठीक है। इसे पहला गियर में ज्यादा स्पीड जाता नहीं गाड़ी, हम बीच में इसलिए उतर जाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से छोड़िए, बिल्कुल काउंट करके छोड़िए, धीरे धीरे ब्रेक, जब भी क्लच छोड़िएगा ब्रेक से पाँव हटा दीजिएगा। चलिए छोड़िए, क्लच छोड़िए, वेरी गुड। स्टीयरिंग को राइट लीजिए, राइट की ओर टर्न कीजिए, वेरी गुड। यहाँ उधर ले जाइए, उधर से एक बार उधर ले आइएगा, ठीक है। इधर ले चलिए, इधर ले चलिए, इधर ले चलिए, हाँ इधर ले चलिए, पूरा राइट कीजिए, हाँ पूरा स्टीयरिंग को कटिंग कीजिए, ठीक है। हाँ पूरा आप राइट लीजिए, पूरा राइट लीजिए। अब यहाँ से हम उतर जाते हैं एक बार, ठीक है। देखिए अब आपको डर लग रहा है, बताइए लग रहा है डर? नहीं नहीं ना, तो चलाइए आराम से, यहाँ इंतजार करे, घुमा के आइएगा ना। देखिए भाई, फर्स्ट टाइम हम खुशबू जी को बिल्कुल लेकर छोड़ दिए हैं। इससे क्या होता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसके अंदर आएगा, क्योंकि कोई भी सामने बैठा हुआ रहता है तो थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई आप कुछ बोलेंगे क्या, आप कुछ बोलेंगे क्या, या हम कर पाएंगे कि नहीं, वो सारे बहुत सारा ऐसा चीज़ है, उनको डर लगता है। तो आज इसको सिर्फ हम फर्स्ट गियर में ही सिखा रहे हैं, सेकेंड गियर अभी डालेंगे नहीं, ठीक है। इसको सारा कुछ बता दिए हम, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे चला रही है। मुझे सिर्फ डर रहता है ये चीज़ कि कहीं कहीं पत्थर है इस प्रकार का, इस पत्थर से बचा के। अब मेरे पास आके बिल्कुल गाड़ी को रोकिए, चलिए चलिए वहाँ चलिए, आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जहाँ रोकने बोलेंगे वहाँ रोकिएगा, ठीक है। हम आपके खड़ा हो जाएंगे आगे, है ठीक है, मेरे को उड़ाइएगा नहीं। चलिए अब आपको यहाँ पे गाड़ी को रोकना है। देखिए पहले डर गए भाई, पहले ही गाड़ी रोक दी। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो खुशबू जी आप बताइए कि आपको कैसा लगा गाड़ी चलाने के बाद? बहुत अच्छा लगा, जो डर लग रहा था वो खत्म हो गया, डर नहीं लग रहा ना? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आप गाड़ी को रोड पे चला सकते हैं? रोड पे के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन तो अभी होगा, अच्छा। लेकिन ऐसे चला सकते हैं, मतलब आपको डर नहीं। देखिए डर जहाँ रखिएगा वहाँ आप कभी भी नहीं कुछ कर सकते हैं, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी ऐसा काम है लग रहा है। लेकिन जैसे देखिए रोड पे क्या होता है कि भीड़ भाड़ एरिया होता है, तो थोड़ा सा ये होगा, तो वो भी आपको हम धीरे धीरे सिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है। ये तो आपको पहला क्लास हुआ, जैसे कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो फर्स्ट ABCD सीखता है, डायरेक्ट तो वो A for apple B for ball नहीं पढ़ पाएगा ना। उसी प्रकार आपको सिर्फ नॉर्मल चीज सीखा है कि किस तरह से गाड़ी को बढ़ाना है, किस तरह से गाड़ी को रोकना है, और गाड़ी का सारे छोटे छोटे चीज जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो चीज आपको बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में आप काफी अच्छा चलाएंगे, नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। तो खुशबू जी आप अपने चैनल का नाम खुशबू ऑफिशियल ब्लॉग क्यों रखे हैं नाम? हम इसलिए रखे हैं अपने ऑफिशियल चैनल का खुशबू ऑफिशियल ब्लॉग नाम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, पर डे का वीडियो अपलोड करेंगे। तो भाई जल्दी से जाइए और खुशबू ऑफिशियल ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।